छोटे मालिक, जब भी ये बंदा आता है कोई ना कोई पैगाम लाता है, ये अदना सा मुलाजिम आदाब बजा लाता है। चापलूसी बंद कर बैठ। लीजिए हजूर, पीजिए हजूर, पी के हो जाइए टुन, और तब तक सुनिए ये धुन। रात कली एक ख्वाब। चुप ओल्ड मंकी, क्या नाम है तेरा? जी बीरबल। बीरबल, ले बीरबल। मैनेजर साहब। हाँ बीरबल। अरे सुंदरलाल के कार्ड की तो बीन बजी हुई है, अगर आप कहें तो उसके कपड़े उतरवा लूं। अरे नहीं नहीं भाई, इतने पुराने कस्टमर हैं अपने, तुम एक काम करो, ये कार्ड उनको वापस लौटा दो, मैं जरा बॉस से बात करके आता हूँ। मालिक पीता नहीं हूँ, चख लेता हूँ और बची हुई बॉटल रात के लिए रख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आपके कार्ड की तो मेरा मतलब है कि कैंसिल हो गया है। क्या बात कर रहा है? ये देखिए, ये ले। मालिक, दिखा कि जादू किसी ने कौवे को चील कर दिया, और यही बताने आया था बाबूजी ने आपके सारे कार्ड सील कर दिया। ये बात तो मुझे अब बता रहे हैं, अब मेरे खर्चे क्या होगा? छोटी बात में करता नहीं बड़ी बात से डरता हूँ, आप फिक्र ना करें, कल शाम तक खर्चे का इंतजाम करता हूँ। पक्का? डन। मैनेजर। यस सर। आई हैव प्रॉब्लम विद माय कार्ड। आई नो सर। सुंदरलाल जी, आप हमारे इतने पुराने, इतने रेगुलर कस्टमर हैं, पेमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। श्योर श्योर श्योर। ये आदमी तो मेरे बाप से भी अच्छा है। अरे कम से कम मेरी इज्जत तो करता है। हर बुरी जगह इज्जत है मालिक आपकी। सर बुरी अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। छोटे मालिक, आपने देखा नहीं आपकी भतीजी कैसे झोपड़ पट्टी के लड़के के साथ घूम रही? तो क्या हुआ? आपको नहीं लगता उसकी शादी किसी बड़े से खानदान के अच्छे से घर में एक सुंदर और स्मार्ट लड़के से होना चाहिए? अब ये बड़ा सा खानदान, अच्छा सा घर, सुंदर सा हैंडसम लड़का कहाँ से लाएंगे? छोटे मालिक, मैं हूं ना। वर्तमान में ऐसे भविष्य के सपने सजाएगा ना, तो मेरे हाथ से एक दिन भूत हो जाएगा तू। और वैसे भी सुमन अगर किसी झोपड़पट्टी के लड़के के साथ शादी करना चाहती तो करे, जाए, ब्याह करे। मैं तो चाहता ये हूँ कि सुमन मेरी नज़र से और मेरी दौलत से हमेशा के लिए दूर हो जाए। अगली बार जो रिश्ता लेकर आ रहा हूँ ना, वो मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। पर देखना कहीं वो भी ना भाग जाए। अरे वो वीर है, वीर रस कवि, वो भागता नहीं, उसकी कविता सुन के लोग भागते हैं। चलो देखते हैं। फिर सर जी, मेरी वीरता के बारे में क्या सोचा है? मेरी भी शादी शुदी कराओ, मैं भी अपनी वीरता दिखा सकूं। अरे बाबा, तू कौन है, क्यों है, किधर है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है बाबा तू? अरे बेटा, तू कितना इमोशनल हो गया है। अरे इतना तो कोई मेरी मैयत पे भी नहीं रोया था। क्या मतलब? कि आज से 420 साल पहले मुझे शादी कराने का बड़ा शौक था और मैं कुआरा ही स्वर्गवासी हो गया। मेरे दिल की तमन्ना थी मेरी शादी हो जाए। तुम शादियों के तांत्रिक हो, मेरी शादी करवा दो। अरे मैं पहला भूत हूँ जिसे शादी का भूत सवार हो गया है। मेरी बाबा, तू जिधर से आया तो रुको वहाँ पर जा बाबा, मैं तेरी शादी चुड़ैल डायन भूती से बात करके जमाने की कोशिश करूँगा बाबा। माफ कर रहे बाबा, तेरा पैर पड़ता हूँ, अब लोग पीछे छोड़ रहे बाबा। आओ मेरा घर देखो, आओ मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊं। ये देखो, यहाँ वो सोएगी, ऊपर मैं सोऊंगा और ऊपर आप सोएंगे। मैं क्यों सोऊं ऊपर? आपने गुस्सा किया तो नीचे सो जाना। मैं मरा हूँ क्या? मैं जिंदा हूँ। जिंदा हो? सुनो मेरी बात, तुम सिगरेट पीते हो? नहीं। शराब पीते हो? नहीं। स्मैक पीते हो? नहीं। मुजरा देखते हो? नहीं नहीं। वो वाला काम करते हो? नहीं। हट। तो फिर काहे के जिंदा हो? अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जय लल्ले बारी प्रभु। इसको शांति दो प्रभु, प्रभु इसको शांति दो। मेरी मलिका, मेरी मिसिंडिया।
यही है वो सांझ और सवेरा जिसके लिए तरसा सारा जीवन भर, यही है। अरे मुबारक हो, ये है तेरा दूल्हा, ये है तेरा चूल्हा, अब इसको सुला। अरे रे, अरे रे, अरे नहीं खट्टू अट्टा पट्टू मार। बड़ा न तमाचा, बहुत भाग रहे थे सूट बूट पहन के। चाचा लड़की को छोड़ दे। अब बोल। और चाचा कैसा लग रहा है? अब बोल। अरे तुमने किसी की घूम रहे हो, खुद ही गा रहे हो, खुद ही कंपोज कर रहे हो, खुद ही रिलीज कर रहे हो, अपने आप को कैसे समझ रहे हो हिमेश रेशमिया? गाली दी देने का नहीं दूंगा, पर अठे क्या कर रहे हो शमशान घाट में? अरे मैं शादी करवा के आ रहा हूँ, इंडिया का वर्ल्ड का नंबर वन शादी, ऐसे शादी दुनिया में हो नहीं सकता है, मैं करवा के आ रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बड़ो हो गई, कौन शादी करवा दी, कौन सी शादी करवा दी? अठे अठे शादी को लफड़ो चाल रही हो, मंगलसूत्र को मेन लफड़ो चाल रही हो, मंगलसूत्र जी को मिलोगो, जो छोरी ने पहनावेगो, हजार करोड़ को मालिक हो जाएगो, वही वास्ते सब मंगलसूत्र वास्ते घूम रहे, तू थे शादी करा दी, पाड़ो पूरा हजार करोड़ को लफड़ो चाल रहे, समझो? मतलब जो मंगलसूत्र पहनेगा उसको हजार करोड़ मिलेगा? मिलोगो, मालिक हो जाएगो। तू तेरे को हजार करोड़ मांगता क्या? मैंने चाहिए, पर मैं देख रहा हूँ कि मेहनत बहुत लगेगी। हाँ मेहनत देखो ना। अरे तू मारवाड़ी है, मेहनत करने में नंबर वन आदमी लोगों का मारवाड़ी। अरे मैं मारवाड़ी नहीं हूँ, गया का हूँ, मारवाड़ी सीख गयो। तू गया का? गया का हूँ भाई जी। अरे तू मेहनत नहीं करेगा, तेरे हाथ से हजार करोड़ गया। मेहनत तो मेहनत के करो भाई जी, कुछ खोने के लिए कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना मांगता है। तो क्या करूँ, फाइनली क्या करूँ? मेहनत करने का, मेहनत कष्ट करने का, मेहनत करो, हार्ड वर्क कर, मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा मैं। हमारी मेहनत बटे रखी है, यस मैंने आशीर्वाद दो, मेहनत मेहनत मैं आ रहा हूँ। जा, ये भी भूत लगता है मेरे को, सब भूत लग रहे हैं कमाल है। चमचान घाट में शादी, धोबी घाट में नहीं होता है। हे बाबा देव, विनायक वासुदेव हरने लगा बड़ी बड़ी बात करने, और हमको छोड़ दिया मरने। बड़ी बड़ी बातें, रिश्ते हो जाएंगे, भाग रहे सब रिश्ते, भगोड़े निकले। अरे मैंने सोचा कि तू किसी रिश्ते को भेजेगा और तेरे रिश्ते मेरे घर में सेटल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, तेरे रिश्ते तो तुझसे भी ज्यादा डिफेक्टिव निकले। अरे बाबा मैंने तुम्हारे घर में ये एंटीक पीस भेजा कि ये समझ के कि तुम्हारा घर म्यूजियम है, अभी उसमें सेटल नहीं हो गया तो मैं क्या करूं? हाँ अपन अभी मैं तुम्हारी भतीजे का हाथ मांगने के लिए ऐसा आदमी भेजूंगा जिसका हाथ ही नहीं है। बोलो पन दो बेटी है, दो जान एक जिसम, लव चमक चमक गए ना, अभी देखेगा तो और चमकेगा, धपक दूंगा या सर जी मैं उस दिन की माफी मांगने आया हूँ। मैंने घर जाके रियलाइज किया कि मुझ जैसे बुजुर्ग बंदे को एक जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैंने सोच लिया है कि शादी करूंगा तो कोई अपनी उम्र वाली से, चाहे भी पाशा हो, मलिका हो, कोई भी हो, मैंने कौन सा कुछ करना? ये मेरे को बता, तू शादी काय को करना चाहता है ये मेरे को बता। नाम के लिए, इस उम्र में बंदा सिर्फ नाम के लिए शादी करता है। तेरे को एक्चुअली नाम वाली नहीं, काम वाली चाहिए। भाई तेरे लिए मौसी ढूंढता हूँ, मौसा देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मैं हूँ ठाकुर बलदेव सिंह और ये है मेरे बेटे। ये हमारा बाप है, इसे देखकर कभी मुंह से पापा निकलता, हमेशा यही निकलता है। वो ठाकुर दिल करता है ऐसे बाप को बेच के एक सेकंड हैंड साइकिल ले लूं। कभी सर पे प्यार से हाथ नहीं फेरा इसने, कभी हमारी उंगली पकड़कर हमें स्कूल नहीं छोड़ने गया, कभी हमारे मुंह में प्यार से निवाला नहीं डाला इसने। अरे अरे झगड़ना छोड़िए और आ भी जाइए। हेलो ठाकुर साहब। नमस्ते ठाकुर साहब। ठीक है बैठिए। जब गब्बर जैसा भी हमें बिठा नहीं सका तो तुम क्या बिठाओगे? तुम बैठ जाओ। मैं कहां बैठा? अगर बहादुर हो तो इस बात की चिंता क्यों करते हो? बहादुर मैं नहीं हूँ, बहादुर तो मेरा वॉचमैन है, मैं सुंदरलाल। बैठ जाओ लालू। ठीक है हम लोग खड़े होकर ही बात करेंगे, रिश्ते की बात है ना, लेकिन बेटा कम से कम आप लोग तो बैठ जाओ। मैं चुप बैठा अकेले। वाह बेटा बड़े प्यारे बदतमीज बच्चे हैं,
मुझ पर गए हैं। रामदेन जी मालिक। अरे मिठाई खिला के इनका मुंह मीठा करो, बहुत कड़वाहट भरी है इसमें। बेटा आप लोग बदतमीजी के अलावा और क्या क्या करते हो? करते क्या बे? बस ये समझ ले जो करते हैं इकट्ठा ही करते हैं। कभी कभी नहाने को दिल नहीं भी करता तब भी इसके साथ बाथरूम में जाना पड़ता है। हमारी तो किस्मत इतनी खराब है कि एक पिक्चर के हमें दो दो शो देखने पड़ते हैं। क्यों? पहला मैं देखता हूँ, दूसरा मेरी बैक साइड देखती है। मेरा तो कभी कभी दिल करता है आपके घर में चाकू है बहुत बड़ा है क्यों इस पट्टे का कत्ल करना है जिसने हमें पैदा किया। भाई ऐसी हरकत मत करना नहीं तो तेरे साथ मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं आज मुझे कत्ल करना छोड़ दो। नहीं भाई। अरे रामदेन जी। अरे भाई मिठाई ले आओ, यहाँ पर कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जी भाई, मुझे जी, नहीं वहाँ खिलाओ जी, लो मीठा में करो। कैसे कैसे लोग मिठाई खिला रहे हैं। भाई साहब आपके घर में थोड़ा सा जहर है तो फिर काटा क्यों नहीं? लीजिए ठाकुर साहब मुंह मिठा दीजिए। लीजिए लीजिए। रामलाल रामदी उठाइए शर्माइए नहीं। आपको शुगर है क्या? खामोश बदतमीज, वरना एक झापड़ लगा दूंगा। आप रिश्ते के लिए आए हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। लगाइए लगाइए। ये कौन सा हाथ है? कीड़े मकोड़ों को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है रामू रामदेव। रामलाल चले जाओ यहाँ से। तो भाई जहर खा लेना याद से। खा लूंगा।